दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को लुधियाना के रेडिसन ब्लू होटल में उद्योगपतियों के साथ मिलने प्रोग्राम किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कारोबारियों से विशेष बैठक में उनकी नब्ज टटोली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को लुधियाना में उद्योगपतियों के साथ मिलनी प्रोग्राम किया। इस दौरान बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कारोबारियों से उनकी नब्ज टटोली। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूरे पंजाब में वो कारोबारियों को 57 नई सहूलियतें देंगे। पंजाबी मेहनती हैं, किसी भी काम को पंजाबी जुगाड़ लगाकर पूरा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी की कई विदेशी कंपनियां पंजाब में आने से डर रही थी क्योंकि पुरानी सरकारों ने उनके साथ धोखा किया था। अब उन सभी कंपनियों को भरोसे में लेकर फिर से पंजाब लाया जा रहा है। पंजाब के उद्योगपति चाइना का मुकाबला करते हुए उसे मात देंगे। राज्य सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे उद्योगपतियों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि इन पॉलिसी में कोई दिक्कत है भी तो सरकार कारोबारियों से सुझाव लेकर उसमें जरूर संशोधन करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूरे पंजाब में बने फोकल प्वाइंट की सड़कों को 2 से 3 सालों में बना दिया जाएगा। पहले जब कोई विदेशी कंपनी का अधिकारी लुधियाना में आता था तो उद्योगपति अपनी फैक्ट्री यूनिट में ले जाने से घबराते थे क्योंकि उन्हें पता रहता था कि जिस जगह उनकी फैक्ट्री बनी है वहां की सड़क बेहद खराब है। उन्हें डर रहता था कि उनकी डील कहीं रद्द ना हो जाए, लेकिन अब कारोबारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि फोकल प्वाइंट की सड़कों को ऐसा बनाया जाएगा कि कम से कम 15 साल तक उसकी मरम्मत की भी जरूरत ना पड़े। अब जल्द ही फोकल प्वाइंट समेत अन्य इंडस्ट्री इलाकों में 6 पुलिस चौकियां भी बनाई जाएंगी। जे कि कल वाली स्पीच ना सुनी होंगी भी कड़ियां फैसिलिटियां दे रहे ने, 4 घरों लेके आए थे बना के। जे कल वाली स्पीच ना होंगी 40 होंदियां, पर क्योंकि उस स्पीच के जिड़ी प्रोग्राम है जिहड़ा उहदे विच सारा कुछ कवर कर लिया से, छोटे तो छोटा बड़े तो बड़ा सलाह लई है सारे तो, मिलता रहना मैं सारे नूं, मेरे नाल सारे बैठे ने। देखो इंडस्ट्री जिहड़ी आ ओह दो चीज़ां करके विश्वास करदी है गवर्नमेंट ते। एक तां जे उहदे फ्रेंडली पॉलिसी बन जाए, दूसरा वह पॉलिसी लागू हो जाए तो हराशमेंट खज्जल खुआरियां दफ्तरां च ना होण तां इंडस्ट्रियलिस्ट जिहड़ा गवर्नमेंट नूं प्यार करन लग जांदा कि साडी गवर्नमेंट है। वह नाल दे फिर किसी एग्जीबिशन पर जाते हैं, किसी होर टूर पर जाते हैं, वह कहिंदे आओ साडे कोल आओ यार अपनी गवर्नमेंट है उत्थे। जदों मुख्यमंत्री दे दफ्तर चों फोन जावे, तुसीं एक फोन करो किसी समस्या लई, तुहानूं वापस 3 आउण अलग अलग डिपार्टमेंटां दे कि तुसीं फोन कीता सी जी, हो गया जी काम, वो असी रिपोर्ट करनी है जी, तां फिर इंडस्ट्री विश्वास करदी है जी कि हाँ लगे हुए ने ठीक है। ताना बाणा उलझा काफ़ी सालों का, पर कोई नहीं सुलझा लाँगे। जिस तरह कहा गया बुलारिया वालों भी कि पंजाबी जिहड़े ने, सचिन जी बोल रहे सी, पंजाबी जिहड़े ने वो हार्ड वर्किंग है, स्किल्ड है। जे आपां ठेठ पंजाबी च कहने हुई है भी जगाड़ू हाँ आपां पूरे, कोई भी चीज़ जिस तरह कहा कि रिफ्लैक्टर उन्हें तो बनता सी चाइना चो, जर्मनी गए, मैं गया, मैं उस कंपनी च गया हुआ, वह भी कहते सी कहते इंडिया नाल इंडियन किसी असी जॉइंट वेंचर नहीं करना, असी धोखे तो बहुत खा ले, बहुत बड़िया बड़िया जर्मनी दी कंपनियां नाल इत्थे धोखे हो गए। वह कहते नहीं असी नहीं जाते, फिर दूजे भी डर जाते भी यहीं होगा। तो असी कहा नहीं, हुण बदल गया माहौल, ऐ ना करो तुसी एक बार ट्राई तो करके देखो, ठीक है दिल टुट गया पर जोड़न का मौका तो दो ना। तो जो दोबारा इतने आए तो उही दोबारे हुण होर कंपनियां भी कहिंदे इत्थे लावांगे, विश्वास बन गया। उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो यहाँ वोट मांगने या फंड इकट्ठा करने नहीं आए। सीएम भगवंत सिंह मान ने करीब 2 महीने पहले अखबारों में विज्ञापन दिया था कि कारोबारी अपने सुझाव नंबर पर भेजें। इस दौरान करीब 1500 लोगों के सुझाव मिले थे। इन सभी सुझाव को चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद पढ़ा, जिसके बाद कारोबारियों के लिए पॉलिसी बनाई गई।
उन्होंने कहा कि अब कारोबारियों को भरोसा नहीं हो रहा है कि बिना चुनाव के दो दो मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को सुनने आ रहे हैं। पहले राजनीतिक पार्टियां सिर्फ फंड एकत्र करने के लिए कारोबारियों के साथ मीटिंग किया करती थी, लेकिन अब ये लोगों की सरकार है। हम लोग आज वोट मांगने नहीं आए। अक्सर पॉलिटिशियंस को जनता केवल चुनाव के पहले याद आती है और पॉलिटिशियंस जनता के बीच में केवल और केवल वोट मांगने जाते हैं। पिछले 1.5 साल से आपके बीच में मान साहब कई बार आ चुके हैं और अभी कोई चुनाव नहीं है। जलंधर का चुनाव था, वो खत्म हो चुका है। आज हम आपके बीच में आपके काम करने के लिए आए हैं, आपकी समस्याएं सुनने के लिए आए हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब का विकास करने के लिए आए हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि बिना चुनाव के, बिना इसके कैसे मुख्यमंत्री और दिल्ली से भी मुख्यमंत्री, दो दो मुख्यमंत्री शहर शहर में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहे हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि कभी ऐसा हुआ था कि पहले सुझाव मांगे गए और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में बिना चुनाव के। इंडस्ट्रियलिस्ट से कि याद पहले तभी आती थी जब चुनाव के टाइम में पैसे की जरूरत होती, फंड रेजिंग के लिए बुलाते थे, अदरवाइज कोई नहीं बुला। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह का काम। हमारी सरकार बनी, हमने पंजाब की इंडस्ट्री के तौर पे क्या इनहेरिट किया? पंजाब में हमने इनहेरिट किया, कल अमृतसर में थे हम लोग, अमृतसर में स्टील और फाउंड्री की इंडस्ट्री काफी हुआ करती थी। वहां पे एक व्यक्ति ने खड़े होके हमें बताया, जी पहले 822 यूनिट होती थी, उनमें से केवल 126 बची हैं, अब बाकी सारी पंजाब से उठ के बाहर चली गई। ये हमने इनहेरिट किया कि सारी इंडस्ट्री पंजाब की, पंजाब छोड़ छोड़ के कोई मध्य प्रदेश जा रहा है, कोई हिमाचल प्रदेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अभी कुछ लोगों ने अपनी बातों में कहा कि उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं। बात केवल पॉलिसी की नहीं है, पॉलिसी हम भी अच्छी बनाएंगे, आप चिंता ना करो। आज तो ये शुरुआत है, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे आप भूल जाओगे सबको। पॉलिसीज हम भी अच्छी बनाएंगे, बात पॉलिसीज की नहीं है। बात यह है कि ऐसा माहौल, एक्सटॉर्शन का माहौल था यहां पे पंजाब के अंदर कि नोचने को दौड़ते थे नेता अफसर कि इससे इतना, ये भी ले लो, ये भी ले। मैं जब पंजाब आता था चुनाव के दिनों में तो कहानियां सुनने को मिलती थी। एक कहानी सुनते थे कि कोई ब्रेड की कंपनी है, वहां से कोई निकले और हर ब्रेड के पैकेट के ऊपर कमीशन बांध दिया। केजरीवाल ने कहा कि 3,500 नए प्रोजेक्ट पंजाब में शुरू हो चुके हैं, 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उद्योगपतियों ने की है, 2,86,000 बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। लोगों को पंजाब सरकार पर यकीन होने लगा है कि पंजाब अब बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।